गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 2.9 राइटिंग स्किल स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग मतलब आपको स्टोरी लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे अभी पहले। कैन यू सी दिस पिक्चर? इन दिस पिक्चर आप क्या देख रहे हो? एक पॉन्ड है छोटा सा जिसमें एलिफेंट है। यू कैन सी टू मंकी, दिस इज फॉक्स, ट्री। तो ये पूरा क्या है? पूरा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट मतलब पता है मैंने आपको जंगल जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो ये पिक्चर्स में यही दिखा रहा है कि एलिफेंट है, मंकी है, फॉक्स है। और आपको फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पता चलते हैं? लायन, टाइगर। तो फॉरेस्ट इज़ द हाउस ऑफ एनिमल, आपको पता है ना, सब एनिमल्स जंगल में रहते हैं। तो ये पिक्चर्स वही है। अभी हम लोग यहाँ पे स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ द एलिफेंट एंड हिज फ्रेंड एंड द फ्रेंड। एलिफेंट आपको पता है ना किसको बोलते हैं? हाथी को। यहाँ पे हाथी, हाथी के फ्रेंड्स कौन रहेंगे? सब एनिमल्स ही रहेंगे ना अलग अलग। तो हम लोग एलिफेंट की स्टोरी पढ़ेंगे। अलोन एलिफेंट वंडर्ड इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड। मतलब एक एलिफेंट था, अलोन मतलब वो अकेले घूम रहा था। वंडर्ड यानी यहाँ वहाँ घूमना, ढूंढना किसी को भी। फॉरेस्ट यानी जंगल। और किसको ढूंढ रहा था? वो फ्रेंड के लेके, मतलब कोई उसे मिले कोई एनिमल तो वो उसे अपना फ्रेंड बनाए। ही मेट अ मंकी एंड आस्क्ड, विल यू बी माई फ्रेंड। सबसे पहला वो एलिफेंट किससे मिलता है फॉरेस्ट में? मंकी से। एंड मंकी से पूछता है कि विल यू बी माई फ्रेंड, मतलब तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। यू आर टू बिग एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्री एज आई डू, सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, सेट माई फ्रेंड मतलब सेट मंकी होगा। माई फ्रेंड इज सेट मंकी। तो मंकी ने पहले, सबसे पहले एलिफेंट्स को कौन सा फ्रेंड मिला है? सबसे पहले एलिफेंट को मंकी। और मंकी ने इससे क्या पूछा कि यू आर टू बिग, मतलब आपको सबको पता है कि एलिफेंट एक बहुत बड़ा एनिमल है, बिग एनिमल। और उसको पता है यू कैन नॉट स्विंग ऑन ट्री। आप लोग ने देखे होंगे मंकी कैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्री पे स्विंग करता है। स्विंग यानी यहाँ से वहाँ झूला झूलना है ट्री पे। तो वो बता, तुम तो ये कर नहीं सकते एलिफेंट को, तो इसलिए तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते। द एलिफेंट देन मेट ए रैबिट एंड आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी हिज फ्रेंड। अब सेकेंड एनिमल जो उसको मिलता है वो है रैबिट। सेकेंड एनिमल कौन सा है? रैबिट। रैबिट से वो पूछता है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? तो रैबिट बोलता है यू आर टू बिग, मतलब तुम कैसे हो, बहुत बड़े हो, टू फिट इन साइड माई बरो। यू नो रैबिट के जो हाउस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बरो। आप लोग ने देखे होंगे, वो लोग ऐसे छोटा सा होल बना के रहते हैं, उसको बोलते हैं बरो। और वो रैबिट के हाउस का नेम है। तो बोलते तुम इतने, एलिफेंट को पता तुम इतने बिग हो कि तुम मेरे बरो में नहीं जा सकते, मेरे हाउस में नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं बन सकते हो। द एलिफेंट आस्क्स अ फॉक्स एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई डैट ही वॉज टू बिग। सबसे पहले मंकी, फिर उस रैबिट, अब फॉक्स से मिलता है। एंड फॉक्स भी ये बोलता है कि तुम बहुत बड़े हो, यू आर टू बिग, तो तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो। द नेक्स्ट डे ऑल एनिमल्स वर रनिंग इन फियर। सब नेक्स्ट डे मतलब वो दिन खत्म हो जाता है, अब नेक्स्ट डे होता है। सब एनिमल्स देखते हैं कि यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, फियर मतलब डर से। द एलिफेंट स्टॉप अ बियर एंड आस्क व्हाट वॉज हैपनिंग एंड वॉज टोल्ड डैट द टाइगर हैज़ बीन अटैकिंग ऑल एनिमल। अब फर्स्ट डे पे उस मंकी, रैबिट और फॉक्स से मिलता है, सेकेंड डे वो किससे मिलता है? बियर से। और बियर से पूछता है कि सब एनिमल्स क्यों रन कर रहे हैं और सब क्यों डर के भाग रहे हैं। तो बियर बोलता है कि टाइगर ने अटैक कर दिया है सब एनिमल पे। अटैक मतलब पता है ना आपको, टाइगर आता है सब एनिमल्स को खाने के लिए, तो वो अटैक हो जाता है और टाइगर के डर से सब भागने लगते हैं। द एलिफेंट वॉन्टेड टू सेव अदर वीक एनिमल। अब एलिफेंट क्या सोचता है कि मैं जितने भी वीक यानी कमज़ोर एनिमल है मैं सबको बचा लूँ। ही वेंट टू द टाइगर एंड सेट प्लीज सर लीव माई फ्रेंड अलोन। वो टाइगर के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज़ सर लीव माई फ्रेंड अलोन, मेरे फ्रेंड लोग को छोड़ दो। उसके फ्रेंड्स कौन है? सब एनिमल्स ही को वो अपने फ्रेंड्स बोल रहा है। द टाइगर डिड नॉट लिसन, सीइंग नो अदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम द एलिफेंट किक द टाइगर एंड स्कैटर्ड अवे। पहले वो अच्छे से रिक्वेस्ट करके टाइगर को बोलता रहता है, टाइगर प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स लोग को छोड़ दो। लेकिन टाइगर बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे। तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि अब ये प्रॉब्लम ऐसे प्लीज फिक्स करने से नहीं सॉल्व होगा। तो एलिफेंट कितना बड़ा एनिमल होता है, वो एक जोर से किक मारता है टाइगर को और टाइगर क्या हो जाता है? स्कैटर अवे, डर के भाग जाता है। द एलिफेंट देन वेंट बैक टू द अदर एनिमल एंड टोल्ड देम व्हाट हैपेंड। अब क्या करता है एलिफेंट, वापस जाता है और पूरे एनिमल्स को बताता है कि ये इंसिडेंट हुआ। पहले मैंने टाइगर को प्लीज़ बोला था, उसने नहीं छोड़ा, फिर मैंने टाइगर को किक करके भगा दिया। और जब वो ये स्टोरी अपने पूरे फ्रेंड्स को बोलता है, देखो उसके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, सब एनिमल्स क्या बोलते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट एनिमल अग्रीड टुगेदर एंड सेड यू आर जस्ट अ राइट साइज टू बी अ फ्रेंड। सब
जो एनिमल्स है पहले उसको फ्रेंड्स बनाने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन जब उन लोग देखते हैं कि एलिफेंट ने ही उन लोग की हेल्प किया, तो वो बताया कि सब एनिमल्स बोलते यू आर ए राइट साइज टू बी अ फ्रेंड, मतलब तुम बड़े नहीं हो, यू आर नॉट टू बिग, तुम्हारा साइज एकदम राइट है हमारा फ्रेंड बनने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि नॉट नेसेसरी कि कोई आपसे बड़ा हो या छोटा हो तो आप उसके फ्रेंड बनाएं। फ्रेंड हम किसी को भी बना सकते हैं, और एक साथ हम लोग जितना मिल के एक साथ रहेंगे उतना हम स्ट्रांग रहेंगे। तो हमको कोई भी साइज़ के फ्रेंड हम बना सकते हैं, बड़ा छोटा ये नहीं। फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप एंड साइज, मतलब फ्रेंड्स हमारे कोई भी शेप एंड साइज़ में हो सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी। तो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ लायन, कि लायन बड़ा था तो उसको कोई फ्रेंड नहीं बना रहा था, लेकिन वो स्ट्रांग था तो उसने अदर एनिमल्स को हेल्प किया। ओके नाउ सी द नोट्स ऑफ दैट चैप्टर, जो चैप्टर हम लोग एलिफेंट की स्टोरी पढ़े उसकी नोट्स देखो। हार्ड वर्ड ELEPHANTS एलिफेंट्स, ओके HAPPENING हैपनिंग WANDERED वंडर्ड SWING स्विंग, स्विंग मैंने आपको बताई थी ना, जो मंकी लोग एक ट्री से दूसरे ट्री पे स्विंग करते हैं उसको बोलते हैं स्विंग। वंडर मतलब ढूंढना, सोचना, टहलना, सोच, अपन जब कोई चीज़ को ढूंढते रहते हैं और उसके बारे में सोचते हैं उसको वंडर बोलते हैं। STOPPED स्टॉप, स्टॉप यानी हम बोलते हैं ना स्टॉप, ना स्टॉप कर दो यानी रुक जाओ। FOREST फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मैंने आपको बताया जंगल जहाँ पे सब एनिमल्स रहते। SCARED स्कैट, स्कैट यानी डर जाना। LISTEN लिसन, लिसन मीन सुनना, मैं बोलती हूँ ना लिसन केयरफुली, इसका मतलब ध्यान से सुनो। AGREED अग्रीड, अग्रीड मतलब कोई भी चीज़ के लिए हम जब बोलते हैं ना कि रेडी है, हाँ हाँ सही है, यस, तो अग्रीड वर्ड यूज़ करते। PLEASE प्लीज, प्लीज आपको पता है ना जब आपको कोई भी चीज़ चाहिए होता है तो आप बोलते प्लीज़ गिव मी, तो उसके लिए हम लोग प्लीज़ वर्ड यूज़ करते, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट वर्ड है। उसके बाद है टॉपिक गिव मी नेम, वंडर WANDERED वंडर, वंडर यानी थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना, थिंक अबाउट। FEAR फियर, DREAD ड्रेड, फियर यानी डरना तो उसको बोलते हैं ड्रेड। SCARED स्कैड, SCARED स्कैड इसका मतलब होता है FRIGHTENED फ्राइटेड यानी घबरा जाना, डर जाना। उसके बाद है गिव अपोजिट, SAME सेम यानी एक जैसा, DIFFERENT डिफरेंट, डिफरेंट यानी अलग अलग। INSIDE साइड, SIDE साइड, इनसाइड यानी अंदर। OUT आउट, SIDE साइड, आउटसाइड यानी बाहर। आप बोलते हैं ना प्ले द गेम इनसाइड या आउटसाइड गेम खेलो तो वो होता है। STOPPED स्टॉप्ड यानी स्टॉप हो गया। STARTED स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी कोई भी चीज़ शुरू करना, स्टॉप यानी ख़त्म करना। RIGHT राइट यानी सही, WRONG रॉन्ग यानी गलत, राइट रॉन्ग। सेम डिफरेंट इनसाइड आउटसाइड स्टॉप स्टार्ट राइट रॉन्ग। तो दिस इज द नोट, सो दिस इज द नोट ऑफ योर चैप्टर 2.9। ये जो हमने हार्ड वर्ड्स गिव अपोजिट ये सब पढ़े, कौन से चैप्टर का है 2.9, द एलिफेंट एंड द फ्रेंड। यू विल राइट द चैप्टर नेम, डेट, हार्ड वर्ड्स, गिव मीनिंग, गिव अपोजिट 2 times in your notebook। थैंक यू।